एवरीवन, वेलकम टू दी गर्ल्स पावर पूजो। दोस्तों मैं हूँ पूजा। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कम सैलरी है तो पैसे कैसे बचाएं। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात कर लें हैं मनी सेव की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे, क्योंकि दोस्तों अगर आप पैसे को सेव करते तो वही पैसा कल के आपके फ्यूचर को सिक्योर करता, आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, साथ ही आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है, आपकी रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा सा अमाउंट आपके पास हो जाता है जिससे आपको आने वाले टाइम के लिए कोई भी टेंशन नहीं लेना पड़ता अपने फ्यूचर के बारे में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको 5 टिप्स दूंगी, आई होप एक नेक टिप्स आपको जरूर पसंद आए। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको और बता दूं कि जितनी सारी मैं टिप्स आपको देती हूँ ये आप देख करके फॉलो भी किया कीजिए जरूर, और इनमें से बहुत सारी टिप्स आपको खुद से पता होगी। बट हाँ, जो टिप्स आपको नहीं पता है प्लीज आप लोग उसे अप्लाई कर सकते हो, तभी मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा होगा। बात करूँ मैं आज की इस वीडियो में टिप्स नंबर फर्स्ट की, तो घर का खर्च आप कम करें या फिर लिमिट में चलें। कि आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, आपका प्रमोशन हो गया है, साथ ही आपकी सैलरी में थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है या फिर आपको बोनस मिल गया है, ठीक, किसी चीज़ का फंड आ गया है, तो आप अपने खर्चे मत बढ़ाओ उसे। सो दोस्तों, जितने सारे आपके खर्चे होते हैं चाहे वो फिक्स अमाउंट वाला खर्चा हो या फिर वैल्यूएबल वाला हो, सो आपके सारे अगर 20 से 25,000 रुपए में हो रहे हैं, बोनस मिल जा रहा है, फिर फंड आपका आ गया है या फिर आपकी थोड़ा सैलरी इंक्रीज हो गई, तो आप 25,000 में ही अपना खर्च चलाने की कोशिश करो। जरूरी नहीं कि आपकी सैलरी बढ़ गई तो अपने खर्चे भी बढ़ा दो, लिमिट में रहना सीखो और लिमिट में ही आप खर्च करो। कोशिश करो जितनी चादर हो उतना ही पैर फंसाओ आप। टिप्स नंबर टू की, तो आप अपना खर्च कम करें। देखो बहुत सारे जेंट्स ऐसे होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ठीक है, हाँ थोड़ा स्मोकिंग वगैरह कर लें या फिर बगैर फालतू वाले पैसे वेस्ट करते हैं, वो डेली ड्रिंक करते हैं। और बहुत लोगों को मूवी वगैरह का बहुत शौक होता है, साथ ही आउटिंग वगैरह का बहुत शौक होता है, तो इससे आपके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो आप कोशिश करो कि जो आप स्मोकिंग वगैरह करते हो फिर ड्रिंक वगैरह करते हो, ये आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है, कोशिश करो आप इसे अवॉइड करो, ठीक है। आप बहुत सारे ऐसे नशा मुक्ति केंद्र हैं जिनसे आप ज्वाइन हो सकते हो, साथ ही उन्हें फॉलो कर सकते हो, तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, साथ ही आपकी एक आदत छूट जाएगी। और एक ये आदत होती है जो बहुत गंदी आदत होती है। वैसे बात कर लूँ मनी सेविंग की, मनी सेविंग भी एक बहुत अच्छी आदत है, बट हाँ आपको इसे अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। बात करूँ मैं टिप्स नंबर थ्री की, तो आप पैसों का गुल्लक बनाएं। मैं जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, लोगों का कमेंट आता है कि आप प्लीज़ एग्जांपल दिया करो कि कैसे बनाया फिर कैसे करें, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि एक गुल्लक मेरा ये है, आप देख सकते हो, और ये जो गुल्लक है ये 5 ईयर ओल्ड गुल्लक है, ठीक है। मैंने इसे सिर्फ 60 रुपये में लिया था, और इसके साथ आपको लॉक का सिस्टम भी मिलता है, सो मैं इसमें लॉक लगा करके रखती हूँ जिससे कि इमरजेंसी मुझे पैसे की नीड हो तो मैं इसे तुरंत ना खोल पाऊँ, और इसमें जो मेरे पैसे मैंने डाले हैं सेफ रहे। वो कुछ इस तरीके से हैं, आपके अंदर पैसे रहेंगे आप इसमें डाल सकते हो। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो लॉक दिया गया है इसकी चाबी आप कहीं पे भी रख सकते हो, बट हाँ आपको थोड़ा हॉनेस्टी होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं इस गुल्लक को रख देती हूँ आराम से बाहर, जितने सारे मेरे पास कॉइन्स आते हैं मार्केट से आते वक्त या फिर अदर जो मेरे पास नोट इकट्ठा होते रहते हैं छोटे बड़े, तो मैं उनको इसमें डालती रहती हूँ। साथ ही जब ये भरने वाले पर टाइम पर हो जाता है तो मैं इसमें से पैसे निकाल करके कहीं और रख देती हूँ, साथ ही फिर से हम इसमें फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। और छोटी नोट के साथ साथ मैं इसमें बड़ी नोट भी डाल देती हूँ कभी कभी, तो एक छोटा छोटा करके काफ़ी अच्छा अमाउंट मेरे पास हो जाता है जिससे कि जो मेरा ड्रीम रहता है, जो मेरा गोल रहता है, उसे मैं पूरा कर लेती हूँ। और आपको एक टिप्स दूँ मैं, तो आप इनवेलप करके भी तैयार कर सकते हो। जैसे आप 52 वीक्स का अपने आपको चैलेंज दो, 100 डे का चैलेंज दो आप, उसके साथ साथ इनवेलप में आप दिवाली के लिए फंड इकट्ठा कर सकते हो, साथ ही आप बर्थडे के लिए प्लान कर सकते हो, बहुत सारे इनवेलप आप बना सकते हो। सो एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ, जैसे ज़्यादातर लोग मुझे, मैंने बोला ना कमेंट करते हैं कि आप एग्जाम्पल दिया करो, जैसे मैंने आज एक बनाया है कार्ड है ये, और ये इनवेलप ही है, इसके ऊपर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ जैसे कि वांट एंड नीड, सो अंदर आपके इतना सारा इसमें स्पेस रहेगा। ये देखिए आप इसमें जो आपके अमाउंट आपने फिक्स किया, जैसे 1000 रुपये आपने लिखा है वांट्स के लिए, साथ ही पर्सनल एक्सपेंस के लिए आपने 1000 रुपये रखा है, तो आप इसमें डाल सकते हो। अगर आपने ट्रांसपोर्ट के लिए 2000 रखा है या फिर मेंटेनेंस के लिए आपने 4000 रखा है, सो आप इसमें फिल करके आप इसको अपने वॉलेट में रख लीजिए। थोड़ा आपकी वॉलेट इतनी लंबी सी होनी चाहिए, पतली वाली, सो कहीं पे भी आप जा रहे हो आपको पैसे देने हैं, तो आप जिस इनवेलप का मतलब यूज लेना है या फिर जो आपको प्रोडक्ट परचेज करना है, जिसके लिए आपको खर्च करना है, सेम इनवेलप को आपने देखा और उसमें से पैसे निकाल करके दे दिए, बाकी जो उसने चेंज आए, बाकी जो आपको चेंज वगैरह वापस होंगे आप डायरेक्टली फिर से इसमें आप डाल सकते हो, रख सकते हो अपना।
और आपको 1 month के लिए इसे अप्लाई करना है, साथ ही जब नेक्स्ट मंथ फिर आपकी सैलरी आए फिर आप एनवलप करके अप्लाई कर सकते हो। ऐसे मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट मंथ मैं आपको एनवलप वाला पूरा चैलेंज लेकर के आऊँ और पूरा अपना जो मंथली खर्चा है मैं इनवॉल्व करके कैसे मैनेज करती हूँ उन सब के बारे में आपको बताऊंगी मैं। टिप्स नंबर 4 की, तो एटीएम से आप लोग पूरे पैसे ना निकालो। जैसे कि सैलरी आ जाती है सो आप तुरंत जाकर के पूरे पैसे मत निकालना, आप टुकड़े कर करके निकालो, थोड़े थोड़े कर करके निकालो और थोड़े से पैसे आप अपने एटीएम में छोड़े भी रहो अकाउंट में, जिससे कि आपका जो बैंक का मेंटेनेंस है वो भी सही रहेगा, उसके साथ साथ आपके थोड़े पैसे से सेफ रहेंगे। और आप थोड़ा थोड़ा कर कर निकालोगे तो फिर आपको आलस सा होगा कि मैं जाऊँ वहाँ पे निकालूँ फिर यूज लूँ, इसलिए अच्छा बाद में कर दूंगा मैं, मतलब टाल दोगे आप। और आप खर्च को टालना भी सीखो जिससे कि आपके बहुत सारे पैसे सेफ हो जाएं। बात करूँ मैं टिप्स नंबर 5 की एंड लास्ट की, तो दोस्तों आप लोग अपना सेविंग अकाउंट ओपन करो। सो आजकल हर एक के पास सेविंग अकाउंट होता है, बट हाँ ऐसा वाला सेविंग अकाउंट आप ओपन करो जिसका ना तो आप डेबिट कार्ड बनवाओ और ना ही आप क्रेडिट कार्ड बनवाओ। सो उसमें सिर्फ आपको सैलरी मिलते ही जो 20% या फिर 10% जितना आपके पास बचता है उसको आप सेव कर दो। और हाँ, सैलरी आ गई है खर्च होने के बाद आप उसमें सेव मत करो, सैलरी आते ही सबसे पहले आप सेव करो, बाद में उसको आप यूज लो या फिर खर्च लो। सो कुछ इस तरीके से आप एक सेविंग अकाउंट पर्सनल बना सकते हो जिसमें आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके आप रखते जाओ। पर मंथ का कोई टारगेट बना लोगे, मैं 1000 रुपये पर मंथ डालूंगा या फिर 500 रुपये पर मंथ मैं इस अकाउंट में डालूंगा जिसके लिए मैं ट्रेवल यूज करूंगा इसको, या फिर मैं इसको ट्रेवल के लिए यूज करूंगा, लैपटॉप ले लूंगा, या फिर मुझे कोई महंगी सी वॉच लेनी है, कुछ अदर गैजेट लेना है, या फिर मेरा कोई ड्रीम है कहीं हमें जाना है, कोई मेरा टूर प्लान कर रहा हूँ मैं। सो आप सडनली तुरंत पैसे उतना इकट्ठे नहीं कर पाओगे टूर वगैरह के लिए, अगर आप धीरे धीरे मतलब कि ट्रेवल के लिए रखोगे तो आपका बहुत अच्छा अमाउंट क्रिएट हो जाएगा। सो आप कुछ इस तरीके से पैसे सेव कर सकते हो। और वैसे ये इनवॉल्व वाला मतलब बहुत मस्त आइडिया है, और इनवॉल्व का जो ये आइडिया है ये फॉरन ज़्यादातर अप्लाई करते हैं इसको, क्योंकि वो लोगों की सैलरी जो होती है फिक्स होती है, साथ ही उनके एक्सपेंस भी फिक्स होते हैं, लोग इनवॉल्व बना करके ही अपना जो एक्सपेंस है वो पूरा करते हैं, इसे बहुत इजी हो जाता है। मैं एज एग्जांपल आपको बता दूं, 1000 रुपये वांट के लिए रख लिया, तो आपने एक इनवॉल्व लिया और इसमें यहाँ पर वांट लिख दिया, साथ ही आपने 1000 रुपये इसमें डाल दिया, साथ ही आपने 4000 रुपये ग्रॉसरी के लिए रखा है तो आपने इनवॉल्व लिया, यहाँ पे ग्रॉसरी मेंशंस किया, साथ ही 4000 डाल दिया आपने। अब जब आप ग्रॉसरी लेने जाओगे तो आपको सिर्फ 4000 वाले इनवॉल्व से ही उसे निकालना है और उसे खर्च करना है, फिर उसमें से जितने पैसे बचते हैं चाहे 1000 बचे, 2000 बचे या फिर 3000 रुपये बचे 4000 में से, अगर आपने कोई प्रोडक्ट नहीं लिया है या फिर पिछले मंथ का आपके पास 500 से 1000 रुपये बचा था आप उसको उसमें रखे रहो, ठीक है, और आप उसको खर्च करते रहो। जब आपका 30 मतलब पूरा हो जाए, साथ ही जब दूसरे मंथ की सैलरी आ जाए तो आपके पास जितने सारे इनवॉल्व थे जिसमें जितने बचे थे आप उनको निकाल करके साइड में रख लो, साथ ही फिर से आप उन्हें नए अमाउंट के साथ फिल करो। तो जो आपके पास पैसे पहले से बचे थे उसको आप यूज ले सकते हो, या फिर आप अपने आप को चैलेंज दे सकते हो, 100 डे चैलेंज या फिर 52 वीक चैलेंज, 30 डे चैलेंज करके, सो आप उनमें उस पैसे को सेव कर सकते हो, उनमें डाल सकते हो, तो आपकी एक एक्स्ट्रा सेविंग हो जाएगी। और साथ ही आपको ये रहेगा कि मुझे अपना इनवॉल्व पूरा करना है या फिर मुझे अपना चैलेंज पूरा करना है, जो मेरा टारगेट है उसको मुझे पूरा करना है, सो उसके लिए आप शुरू से ही बचाने की कोशिश करोगे। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से भी मेरी आज की वीडियो, कम सैलरी में घर का खर्च कैसे चलाएं साथ ही बचत आप कैसे करें, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने आपको 5 से 10 टिप्स दी हैं और एक नए टिप्स आपके जरूर काम आएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट मैचिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जाकर के क्लिक करो जिससे कि मैं जितनी सारी वीडियो डालूँ उन सब के टाइम टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप अपने फैमिली और फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहो, सुरक्षित रहो, थैंक यू।